इंडिया में अराउंड 600 मिलियन आधी पॉपुलेशन के पास इंटरनेट का एक्सेस है लोएस्ट टैरिफ्स पर। ऑलमोस्ट हाफ पॉपुलेशन के पास एक्सेस है और हाफ के पास नहीं है। पैंडेमिक के इस टाइम पीरियड में सभी को इंटरनेट की जरूरत रही है स्टडीज के लिए, वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन मीटिंग्स अटेंड करने के लिए, गेमिंग के लिए और एंटरटेनमेंट कंटेंट स्ट्रीम करने के लिए। नमस्ते मेरे सारे व्यूअर्स को, आज मैं आपसे एक ऐसे टेक्नोलॉजी के बारे में शेयर करूंगा जो इंडिया में इंटरनेट एक्सेस की कंडीशन को रेवोल्यूशनाइज करने का पोटेंशियल रखता है और कंट्री के डिजिटल डिवाइड की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। मैं बात कर रहा हूं सैटेलाइट ब्रॉडबैंड की। इंडिया की आधी पॉपुलेशन जिसके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है, सैटेलाइट ब्रॉडबैंड एक गेम चेंजर हो सकता है। आपने सैटेलाइट ब्रॉडबैंड टर्म को या तो सुना होगा या नहीं सुना होगा। अगर नहीं सुना तो इसका बेसिक मीनिंग होता है इंटरनेट जो रेगुलर ग्राउंड में इंस्टॉल्ड DSL या ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के बजाय सैटेलाइट्स की हेल्प से एक्सेस प्रोवाइड कराता है। ट्रूली वायरलेस इंटरनेट, जैसे आजकल ट्रूली वायरलेस स्टीरियो TWS ईयरफोन्स आते हैं। नेटवर्क कनेक्टिविटी या तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या लियो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट प्रोवाइड करवाते हैं और एक्सेस दो स्टेप्स में मिलता है। पहला स्टेप, यूजर अपने कंप्यूटर से रिक्वेस्ट्स ब्रॉडकास्ट करता है वाया सैटेलाइट मॉडम जो घर या ऑफिस पर लगी सैटेलाइट डिश जस्ट लाइक टाटा स्काई डिश से कनेक्टेड है। फिर ये डिश सिग्नल्स सेंड और रिसीव करती है ऑर्बिटिंग सैटेलाइट से और अगर डिश को क्लियर व्यू मिलता है यूजर को इंटरनेट का एक्सेस मिल जाता है। सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस शेयर करता हूँ। सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के सिग्नल्स अर्थ पर कोई भी लोकेशन से एक्सेस कर सकते हैं। रिमोट या रूरल लोकेशंस पर जहां रेगुलर DSL लाइन डिप्लॉय नहीं हो सकती या 4G एंटेनाज और कनेक्शन स्लो रहते हैं या जो लोग रेगुलरली ट्रैवल करते रहते हैं ट्रेन्स में शिप्स में, उनके लिए सैटेलाइट ब्रॉडबैंड बिल्कुल एप्ट है। बहुत से बिजनेसेस को एक स्टेबल और प्रॉपरली एक्सेसिबल इंटरनेट प्रोवाइड करा सकते हैं सैटेलाइट ब्रॉडबैंड से। जहां बिजनेस रेगुलर ISPs इररेगुलर डैमेज्ड डिसेबल्ड कनेक्शन से अफेक्ट होते हैं, सैटेलाइट ब्रॉडबैंड उनको सीमलेस इंटरनेट प्रोवाइड करा सकता है। नेचुरल डिजास्टर्स के टाइम पर या कोई भी अटैक के टाइम पर सैटेलाइट ब्रॉडबैंड लाइफ सेवर हो सकता है। फॉर द टाइम बीइंग सैटेलाइट ब्रॉडबैंड की लेटेंसी एक इशू है जो रियल टाइम एप्लीकेशंस जैसे वॉइस ओवर IP, इंटरनेट गेमिंग एंड कंटेंट स्ट्रीमिंग जैसे सिनेरियोज, इन सभी के लिए आइडियल नहीं है, बट लो अर्थ ऑर्बिट लियो सैटेलाइट्स के कॉन्स्टेलेशन से सॉल्व किया जा सकता है। सैटेलाइट ब्रॉडबैंड का डिप्लॉयमेंट और इंस्टॉलेशन जनरली DSL इंटरनेट के 2-3 टाइम्स ज़्यादा कॉस्ट करता है। साथ ही वेदर कंडीशंस जैसे रेन फेड में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सफ़र कर सकता है। सिग्नल की लाइन ऑफ साइट अगर क्लियर नहीं है तब भी इंटरनेट सफ़र कर सकता है। इस साल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड को लेकर कुछ एडवांसमेंट्स और प्लेयर्स सामने आए हैं इंडिया में। TRAI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मार्च में लो बिटरेट एप्लीकेशंस के लिए सैटेलाइट बेस्ड कनेक्टिविटी के फ्रेमवर्क के लिए कंसल्टेशन पेपर पब्लिश किया था। लो बिटरेट या लो बैंडविड्थ एप्लीकेशंस का मतलब है सेंसर बेस्ड एप्लीकेशंस जो कम कॉस्ट, लो पावर और स्मॉल साइज टर्मिनल्स पर इजिली रन हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट ऑफ थिंग्स एप्लीकेशंस, कुछ एग्जाम्पल्स जैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट, स्मार्ट ग्रिड्स, रेलवेज, डिजास्टर मैनेजमेंट, फिशरीज और स्मार्ट एग्रीकल्चर। इलॉन मस्क बैक्ड स्टारलिंक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस ने कुछ टाइम पहले प्री बुकिंग स्टार्ट की थी $99 अराउंड 7200 रुपीस की और जल्द ही इंडिया में लॉन्च होने वाला है। स्टारलिंक अभी रेगुलेटरी अप्रूवल प्रोसेस को फिगर आउट कर रहे हैं इंडिया में। इलॉन मस्क की SpaceX ने अराउंड 1800 सैटेलाइट्स डिप्लॉय कर दिए हैं और ऑपरेशनल ऑर्बिट में जब आ जाएंगे तब स्टारलिंक ग्लोबल कवरेज अटेन कर लेगा। कंपनी का गोल है मिड 2027 तक अराउंड 42,000 सैटेलाइट्स लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करने का प्लान है। करेंटली बीटा पीरियड में 50 Mbps से 150 Mbps तक स्पीड्स और 20 ms to 40 ms लेटेंसी प्रोवाइड कर रहा है और ग्लोबल कवरेज के बाद एक्सपेक्ट कर सकते हैं अराउंड 300 Mbps जो कि एक रेगुलर DSL लाइन ब्रॉडबैंड स्पीड जैसा है। भारतीय एयरटेल और UP गवर्नमेंट के वेंचर वन वेब एक मेजर प्लेयर है जिसको डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम इंडिया के तरफ से 20 साल का लाइसेंस मिला है सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए और कंपनी प्लान कर रही है मई 2022 तक इंडिया में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड ऑफर करेगी।
कंपनी ने इस साल में ऑलरेडी 36 सैटेलाइट्स लॉन्च कर दिए हैं और प्लान कर रहे हैं 648 लियो सैटेलाइट्स का ग्लोबल कवरेज के लिए। भारतीय एंटरप्राइजेस के चेयरमैन सुनील मित्तल ने शेयर किया था कि वनवेब इंडिया में B2B मॉडल पर ऑपरेट करेगा और सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के थ्रू टेलकोस को कंट्री में रिमोट रीजन्स में सेलुलर लिंक बनाने में हेल्प करेगा। साथ ही हिमालयाज में पोस्टेड आर्म फोर्सेस, शिपिंग एजेंसीज, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और रेलवेज को भी सैटेलाइट बैंडविड्थ प्रोवाइड करेंगे। वनवेब के इंडिया में 2 सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशंस नेक्स्ट ईयर मार्च तक ऑपरेशनल हो जाएंगे। टाटा ग्रुप की सब्सिडरी नेल्को ने लास्ट ईयर पार्टनर किया है कैनेडियन कंपनी टेलेसैट के साथ कंट्री में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड ऑफर करने के लिए। इस जॉइंट वेंचर में मास्टर सर्विसेज अग्रीमेंट होगा लाइट स्पीड लियो सैटेलाइट सर्विसेज के लिए। प्लान है कुछ $8 बिलियन इन्वेस्टमेंट का, जो 300 लियो सैटेलाइट के ग्लोबल कॉन्स्टेलेशन को बिल्ड करने में काम आएगा और साथ ही कंपनी 2024 तक इंडिया में ऑपरेशंस स्टार्ट करने का प्लान कर रही है। इनका भी B2B बिजनेस मॉडल रहेगा और मेन मार्केट्स सेलुलर बैकहॉल मोबिलिटी, रिमोट विलेज कनेक्टिविटी और एंटरप्राइजेस के लिए रिलायबल सर्विसेज रहेंगे। अमेज़न के प्रोजेक्ट काइपर के लिए कंपनी ने रिसेंटली फेसबुक की सैटेलाइट इंटरनेट टीम को एक्वायर किया है। अमेज़न कुछ $10 बिलियन इन्वेस्ट करेगी अंडर प्रोजेक्ट काइपर, जिसमें अगेन लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स डिप्लॉय होंगे और इस साल जुलाई में FCC से 3,236 सैटेलाइट्स लॉन्च करने का अप्रूवल मिला है। कंपनी का प्लान है कि 578 सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में लॉन्च करने के बाद ही सर्विसेज ऑनलाइन करेंगे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी जल्द ही गवर्नमेंट के साथ मोडालिटीज, ऑथराइजेशंस एंड सर्टिफिकेशंस के बारे में डिस्कस करेगी। कुछ और कंपनीज हैं इस रेस में, जैसे ब्रिटिश स्टार्टअप मेथेरा ग्लोबल कम्युनिकेशंस, ह्यूजनेट, यूटेलसैट, इरिडियम, जो प्लान कर रहे हैं ग्लोबल कवरेज का। सैटेलाइट ब्रॉडबैंड एक नया बैटल ग्राउंड बन गया है काफी कंपनीज के लिए, जिसके रिजल्ट्स हमें नेक्स्ट ईयर से देखने को मिलेंगे। रूरल एरियाज जहां इंटरनेट और नेटवर्क पेनिट्रेशन बहुत कम है, बहुत से एंटरप्राइजेस जिनको एक रिलायबल और वाइड स्प्रेड इंटरनेट चाहिए ग्लोबल ऑपरेशंस हैंडल करने के लिए, बहुत सी इंडस्ट्रीज जैसे फिशरीज, रेलवेज, डिजास्टर मैनेजमेंट और सप्लाई चेन मैनेजमेंट जैसे कुछ एप्लीकेशंस जहां कनेक्टिविटी, ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। प्लस इंडिया के डिजिटल इंडिया कैंपेन में एक बहुत बड़ा जंप लाने के लिए सैटेलाइट ब्रॉडबैंड बहुत बहुत ज्यादा पोटेंशियल रखता है। आई होप कि आपको सैटेलाइट ब्रॉडबैंड से रिलेटेड कुछ डिटेल्स और एडवांसमेंट्स जरूर इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे। वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स, कलीग्स और फैमिली मेंबर्स को शेयर करें। बहुत ही सिंपल और लेमन लैंग्वेज में सब शेयर किया है। कुछ सुझाव हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है तो, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें। इससे मेरे को एंथुजियाज्म मिलेगा नई इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और लेस टॉक्ड अबाउट कंज्यूमर टेक वीडियोस बनाने का और आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।